अस्सलामुअलैकुम। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तानी तारीख की महंगी तरीन एक्शन फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट की एडवांस बुकिंग का ऐलान कर दिया गया। जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर्स तले 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट की एडवांस बुकिंग का आगाज कल 30 सितम्बर को शाम 7 बजे से किया जा रहा है। फिल्म में अदाकार फवाद खान ने मौला जट का मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि मायरा ने मको जट्टी का किरदार अदा किया है। 1979 की क्लासिक फिल्म मौला जट के रिमेक में हमजा अली अब्बासी मौला जट के हरीफ नूरी नथ का किरदार अदा करेंगे, जब हमायमा मलिक दारो का किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा गुलकार फारस शफी ने दी लीजेंड मौला जट में मुदा के किरदार से अदाकारी के मैदान में कदम रखा है। बैनुल अक्वामी मयार की VFX महारत के साथ इस फिल्म को इस मुनफरिद अंदाज से तख्लीक किया गया है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई। इसलिए फिल्म की टीम ने दावा किया है कि फिल्म के हर मंजर देखने वाले अपनी निश्चितों से उठ नहीं पाएंगे। फिल्म 13 अक्टूबर से मुल्क भर के तमाम मारूफ सिनेमा घरों की जीनत बनेगी, लिहाजा बेकरार शायकीन अब अपनी पसंदीदा फिल्म को देखने के लिए टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के मुआवजे की। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा फिल्में लिखने का एजाज रखने वाले मुसन्नफ नासिर अदीब ने निजी TV चैनल के शो में शिरकत। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत पर बातचीत के दौरान 1979 की कामयाब फिल्म मौला जट और हालिया फिल्म दी लीजेंड ऑफ मौला जट के मुआवजे से मुतल्लिक इंकशाफ किया। शो के दौरान मेजबान अहमद अली भट्ट का नासिर अदीब से पूछना था कि आपने सरवर भट्टी से फिल्म मौला जट के लिए कितनी रकम का मुतालबा किया था। इस सवाल के जवाब में नासिर अदीब ने कहा कि उन्हें 1979 में फिल्म मौला जट लिखने के लिए तकरीबन 7,500 रुपए मिले थे। अहमद अली भट्ट ने मजीद पूछा कि और अब आपने बिलाल लाशारी की फिल्म दी लीजेंड ऑफ मौला जट के लिए कितनी रकम का मुतालबा किया है, जिस पर नासिर अदीब का बताना था कि मैंने फिल्म लिखने के लिए बिलाल लाशारी से 10 लाख रुपए का मुतालबा किया था, मगर उन्होंने मुझे दी लीजेंड ऑफ मौला जट के लिए 15 लाख रुपए अदा किए हैं। नासिर अदीब का कहना था कि उन्होंने 1979 में फिल्म मौला जट निजाम के खिलाफ लिखी थी और इसीलिए फिल्म बहुत ज्यादा हिट भी हुई और आज तक याद की जाती है।